तो फिर जो है एक्साइटमेंट बढ़ती ही जा रही है। सबसे पहले इसकी जो है फ्रेग्रेंस टेस्ट करते हैं। तो देखो भाई, ये है हमारा रियल पाइनएप्पल। कई लोग सोच रहे होंगे कि प्लास्टिक का लेके आ गए। नहीं भाई, ये अभी आपके सामने मैंने ये काटी हुई है, इतना काफी रहेगा। तो परफ्यूम्स की रिव्यू कर रहे हैं तो कुछ इसके बेसिक डिटेल्स भी हम जो है जान लेते हैं। मतलब जो चीजें मैं सोच रहा था, लगभग लगभग ये हमारे इस पाइनएप्पल, जो रियल पाइनएप्पल है, इससे मिलता जुलता है बिल्कुल। सो हेलो फ्रेंड्स, आज का ये हमारा सेकंड जो है रिव्यू वीडियो होगा। और जैसे कि आप जानते होंगे कि पिछले वीडियोस में हमने जो है मैंगो फ्लेवर्स के बारे में बात किया था, मैंगो परफ्यूम के बारे में बात किया था, इसी तरीके से आज के इस वीडियो में वो भी पैट्रिकल के साथ। और जैसे हमने एक टेस्ट रियलाइज किया था मैंगो फ्रूट्स और परफ्यूम के साथ में, इसी तरीके से आज मैं आपके लिए लेके आ गया हूँ पाइनएप्पल, जैसे कि ये अभी देख रहे हो। और रियल पाइनएप्पल अभी आपको ये देखने को मिलेगा। स्मेल भी इसकी काफी जबरदस्त है। और इसी के साथ जो है हमारा ये पाइनएप्पल का जो बेस रिव्यू हम करने वाले हैं, और फ्रेग्रेंस को एक खास टेस्ट करके देखेंगे कि एक्चुअल में जो रियल पाइनएप्पल है और जो हमारा परफ्यूम जो पाइनएप्पल है उसमें कितना अंतर देखने को मिलता है। और रिव्यू का मतलब यही है कि मैं कोशिश करता हूँ कि जो भी चीज़ें होती है वो रियलिटी सही होनी चाहिए और जो है प्रैक्टिकल के साथ चीज़ें होनी चाहिए। इसलिए मैं आपके लिए एक फ्रेश न्यू बड़ा साइज में पाइनएप्पल लेके आ गया हूँ। तो ये हमने टेबल में रखी हुई है और ये है हमारा पाइनएप्पल का परफ्यूम, जिसका हम अभी इस वीडियो में जो है रिव्यू करेंगे। सो फिर जो है सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं पाइनएप्पल के बारे में। आखिर ये जो परफ्यूम्स हैं या फिर पाइनएप्पल के जो फ्रेग्रेंस है वो इतने पॉपुलर क्यों होते जा रहे हैं। सो सबसे पहली चीज ये है कि जो फ्रूट्स है, मतलब ये पाइनएप्पल का फ्रूट्स हमने ली हुई है। सो फिर इसकी जो फ्रेग्रेंस है, मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये जो इसकी फ्रेग्रेंस और जो सुगंध है वो काफ़ी ज़्यादा मतलब अच्छी मानी जाती है और लोगों को बहुत ज़्यादा ये पसंद आता है। ऐसा लगता है कि अगरबत्ती जलने के बाद खाने की जो फीलिंग्स है वो जो है आने लग जाती है, जैसा कि जो मैं समझाने की कोशिश मैं कर रहा हूँ। और आज इस वीडियो में पाइनएप्पल लेके बैठे हुए हैं और आपका भाई आपके लिए ये फ्रेश न्यू रियल पाइनएप्पल लेके आ गया है। तो फ्रेग्रेंस काफी अच्छा है। पाइनएप्पल मीन्स देखा जाए तो ये एक ऐसा है कि एक दो स्टिक्स लगाने पर लोग दूर से ही पहचान जाते हैं कि भाई कहीं ना कहीं कोई अच्छी अगरबत्ती जल रही है। जिसके माइंड में ये चीजें रहती हैं वो तो समझ जाता है कि भाई पाइनएप्पल है। और कारण यही है कि इसमें फैलाव, मतलब एक जो बूस्टिंग होती है और जो फ्रेग्रेंस की लास्टिंग होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। सेकंड चीज क्या होता है, हमारी अगरबत्तियों में कम खर्चों में ये बन जाती है क्योंकि डाइल्यूशन रेशियो इसका काफ़ी हाई होता है। बाय द वे, अदर फ्रेग्रेंस आप 1:4:5 में आप लेके कर रहे हो, 3:4:5 प्रीमियम क्वालिटी के लिए 3:4 ही मैं सजेस्ट करता हूँ। और ये जो पाइनएप्पल है ये 5:6 तक भी एक्यूरेट वर्क करता ही है प्रीमियम क्वालिटी के लिए। और ये तो हो गई जो इसके डाइल्यूशन रेशियो है उसके बारे में। जब तक हम इसे टेस्ट नहीं करेंगे और हमारे जो परफ्यूम्स में क्या डाइल्यूशन आएगा, क्या रेशियो रहेंगी, क्वालिटी कितना अच्छा रहेगा नहीं रहेगा, रियल पाइनएप्पल के जैसा इसका टोन जो है देखने को मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये इस वीडियो में जल्दी से जो है शुरुआत करते हैं। तो फिर जो है एक्साइटमेंट बढ़ती ही जा रही है। सबसे पहले इसकी जो है फ्रेग्रेंस टेस्ट करते हैं और समझ में मुझे ये नहीं आ रहा कि इसे काटे कहां से। सो फिर अभी तो खाली हमें एक बेसिक टेस्टिंग करनी है, समझ रहा हूं कि काटना कहां से है इसको, क्योंकि इतना बड़ा है और इतने इसके जो परत जो होती है वो काफी हार्ड है, कहीं ना कहीं से शुरुआत तो करनी पड़ेगी। तो देखो भाई, ये है हमारा रियल पाइनएप्पल।
फ्रैगनेंस की तो बात ही मत करो, मतलब ये तो रखे ही स्मेल कर रही थी, लेकिन इसे काटने के बाद इसके जो रियल खुशबू है वो तो बहुत गजब है, मतलब लाजवाब है। तो कुछ इस तरीके से ये हमारा पाइनएप्पल, जो कि रियल पाइनएप्पल मैं कहूँ तो, कई लोग सोच रहे होंगे कि प्लास्टिक का लेके आ गए, नहीं भाई रियल है, अभी आपके सामने मैंने ये काटी हुई है। फ्रैगनेंस की टेस्ट करें तो अब इसके बारे में क्या ही कहना, जैसे मैंगो के बारे में मैंने बताई थी, कच्चा आम जो था वो वीडियो बनाने में भी काफ़ी मज़ा आया, और ये तो है। सो फिर बात आती है हमारे परफ्यूम्स की, एक तो हमने टेस्ट कर लिया जो कि पाइनएप्पल बेस, अब मुद्दे की बात ये हो जाती कि ये हमारा परफ्यूम इस रियल पाइनएप्पल से कितना फिट बैठता है, और ये चीज़ें जब हम इसकी क्वालिटी चेक करेंगे या फिर इसे समझने की कोशिश करेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगी। सबसे पहले मैं ये ऊपर की सील्स जो है ये ओपन कर लेता हूँ। जिस तरीके से आप देख पा रहे होंगे ये वाइट बॉटल्स में हमारे सारे परफ्यूम्स होते हैं, और एक जो है एक्स्ट्रा सेफ्टी के लिए ये हम इसमें एक छोटी सी सील जो है प्लास्टिक कवर सील जो है चढ़ा देते हैं। तो ये हो गया हमारा ओपन। अब यहाँ से ये हमारा कैप है और यहाँ पे एक छोटी सी सील जो है लगी हुई है, तो इसे इस तरीके से खोल लेते हैं, सील भी साइड में रख लेते हैं। और ये इसके बाद आपको एक और छोटी सी कैप जो है देखने को मिलेगी, इससे क्या होगा कि आपका परफ्यूम्स किसी भी तरीके से कोरियर या फिर ट्रैवलिंग के टाइम में लीकेज नहीं होगी। तो इसे भी फटाक से हम लोग खोल लेते हैं। कैसे ये हमारा जो है कैप भी यहाँ से ओपन हो चुका है, और जो है इसकी फ्रैगनेंस यहीं से भी फैलना स्टार्ट हो गया है, मतलब यहाँ से खुशबू इसकी आनी चालू हो गई है। और इसकी रियल टेस्टिंग होगी जब इसे हम थोड़ा सा, ये हमारे पास रॉ अगरबत्तियाँ हैं इसके साथ हम टेस्ट करेंगे तब। और ये हमारा रियल पाइनएप्पल, इसे रखते हैं थोड़ा साइड में, इसके वजह से मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है। तो सबसे पहले फ्रैगनेंस को हम कुछ इस तरीके से बीकर्स में ले लेते हैं, और यहाँ से जो है टेस्ट, क्योंकि बॉटल्स में चीज़ें क्लियरिटी समझ में नहीं आती, तो फिर इसे हम ट्रांसफ़र कर लेते हैं थोड़ा सा, और यहाँ पे कुछ हम ले लेते हैं 150-200 ग्राम एवरेज ml, सॉरी इतना काफ़ी रहेगा। तो परफ्यूम्स की रिव्यू कर रहे हैं तो कुछ इसके बेसिक डिटेल्स भी हम जो है जान लेते हैं। जैसे कि अभी आप देख पा रहे होंगे तो इसके कलर्स आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिलेंगे, हल्को येलोनेश, हल्का जो है येलोनेश, मतलब हल्की येलो कलर्स में ये परफ्यूम्स आपको देखने को मिलेगी। थिकनेस मतलब जो वैल्यू है इसकी वो गाढ़ी नहीं है, मतलब एक जो बेसिक परफ्यूम के जो मैं बोलूँ तो नॉर्मल जो बेस इसके मिनरल्स होते हैं या फिर जो थिकनेस वैल्यू होती है ऑयल की, वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं। और सबसे पहली चीज़ तो इसकी टेस्टिंग ही है, क्योंकि बेस रिव्यू में क्या है, जो चीज़ें जो परफॉर्मेंस एक तरीके से मैं कहना चाहूँ तो ये कितनी अच्छी है इसके बारे में आपको ये चीज़ें आगे पता लग जाएगी या फिर मुझे भी पता लग जाएगी। मतलब जो चीज़ें मैं सोच रहा था लगभग लगभग ये हमारे इस पाइनएप्पल, जो रियल पाइनएप्पल है, इससे मिलता जुलता है बिल्कुल। और मैं तो ये कहूँगा कि इसमें जो कि अगर आप इसे डाइल्यूशन रेशियो की मैं बात करूँ तो ये आराम से, मैंने कुछ और पहले पैट्रिकल इसके बेस में कर लिया है, ये हमारा बेस रिव्यू था आपके लिए, इसके वजह से फिर से मैं इसमें थोड़ा सा ट्रायल कर रहा हूँ। और सबसे पहले ये कुछ स्टिक्स हमने रख ली हैं, और इसमें थोड़ा सा हम करते हैं डीप, और डीपिंग प्रोसेस के बाद इसका जो रिजल्ट आएगा, सो फिर ये यहाँ से हमें और भी चीज़ें अच्छे से पता लग जाएगी। हालांकि अभी प्योर परफ्यूम है, डीपी में भी इसके जो है डाइल्यूशन आपको रेशियो हाई मिलेगा ही मिलेगा, और मैं एक्सेप्ट ये कर रहा हूँ कि ये इसमें लगभग लगभग आपका 1:5 तक कवर ये आराम से करेगा प्रीमियम क्वालिटी के लिए। बाकी मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा सा सूख जाए, लेकिन
क्या है, अभी जस्ट मैंने अभी डीपिंग की हुई है तो थोड़ा सा गीला है, बट इसे जला के देखते हैं। बाकी गीले में जब तक ऑयल ना सूखे तो जो धुआं होता है वो काफी ज्यादा निकलता है, क्योंकि बेस ऑयल जलता है इसके साथ में, इसके वजह से। फिलहाल अभी इस वीडियो में इतना टाइम नहीं है कि इसे हम एक मतलब टाइमिंग प्रोसेस के लिए छोड़ें कि ये पूरा सूख जाए, और यहीं से एक जो बेसिक इसके फ्रेग्रेंस है, फ्रेग्रेंस की मैं बात करूं तो इसका डाइल्यूशन रेशियो जैसे कि अभी मैंने बात किया, तो प्रीमियम क्वालिटी के लिए आप 1:5 तक का इसे ले सकते हैं, और बेस प्रीमियम क्वालिटी की आपकी अगरबत्तियां बनेगी, चाहे वो आपका ब्लैक अगरबत्ती हो, ब्राउन हो या फिर व्हाइट स्टिक्स हो। और बाय द वे आप एक मीडियम बेस क्वालिटी के लिए इसे यूज करना चाहें, कई सारे लोग जो है सुपर सॉइल या फिर और बेस सस्ती अगरबत्तियां बना दें, तो उसके लिए 8:10 का रेशियो तो चलेगा ही चलेगा, गारंटेड है ये। सो फिर जल्दी से जल्दी अगर पाइन एप्पल या फिर फ्रूटी फ्लेवर से रिलेटेड आपके अगरबत्ती में यूज होती हैं तो बिल्कुल आप ट्राई कर सकते हैं, और बेस रिव्यू भी आप इसका दे सकते हैं, और बिल्कुल ये वर्क करेगा। और 100% जो बेसिक फ्रेग्रेंस की लास्टिंग होती है, काफी सारे फ्रेग्रेंस में ये इशू होता है कि भाई स्टार्टिंग में तो फ्रेग्रेंस अच्छी आ रही है, बट कुछ दिन जलने के बाद ये हमारा फ्रेग्रेंस यहाँ से गायब हो जाता है। तो इस तरीके के इशू यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलेंगी, क्योंकि इसे मैंने पहले भी ट्राई किया हुआ है, और पिछले दो महीनों से इस पे हमारा वर्क चल रहा है, काम चल रहा है, काफी सारे कस्टमर ने लिए हुए हैं। और ये एक रिव्यू ओपनली वीडियो था, इसके वजह से मैंने ये चीजें आपको पूरा क्लियर बताया हुआ। सो फिर आगे उम्मीद यही रहेगी कि आप ये हमारा पाइनएप्पल इसे पसंद जरूर करेंगे, और जो बेसिक परफ्यूम्स के डिटेल्स हैं इसके डाइल्यूशन के बारे में आपको मैंने बता ही दिया, और इसके प्राइसिंग के लिए आप हमें कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं।